नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर राजस्थान मौसम को लेकर आई है। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम खराब हो गया है। राजस्थान के कई हिस्सों में इसमें मूसलाधार बारिश हो रही है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। अब की बार मानसून की वजह से राजस्थान में रिकॉर्ड बारिश हुई है और दोस्तों भयंकर बारिश की वजह से बाढ़ बर्बादी भी दिख गई है। नदी नाले उफान पर भी आए हैं। लेकिन इसी बीच जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 22 सितंबर तक अलग अलग हिस्सों में जमकर बारिश, भयंकर बाढ़ बर्बादी फिर से देखी जा सकती है, जिनमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, वहीं दोस्तों दौसा, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, साथ ही जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का इलाका दोस्तों यहां पर तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और अगले कुछ घंटों में मूसलाधार बारिश होगी। सबसे ज़्यादा भयंकर से अति भयंकर बारिश भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि 48 घंटे तक जारी रह सकती है। ये नज़ारा भी आप देख सकते हैं, कोटा के अलग अलग शहरों में भयंकर बाढ़ बर्बादी दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही देखी गई, लेकिन अब फिर से मौसम बेहद खराब हो गया है, जिसके चलते अलग अलग जिलों में मूसलाधार से अत्यंत भीषण मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। कोटा संभाग एक बार फिर से डूब सकता है, कोटा के अंदर फिर से भयंकर बाढ़ आ सकती है, हाई अलर्ट जारी कर दिया है। कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी है। जमकर बारिश के साथ दोस्तों तेज रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं और भयंकर वज्रपात भी हो सकता है। आप सभी से विनती है कि भारी बारिश के चलते आप बाहर ना निकले, नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि सभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। 3 दिन पहले ही पार्वती नदी उफान पर आने की वजह से मध्य प्रदेश और राजस्थान का संपर्क दोस्तों कट गया था। इस समय मध्य प्रदेश के अंदर भी तूफानी बारिश हो रही है, जिसके चलते कई जिलों के अंदर भयंकर बाढ़ बर्बादी दिखी जा रही है और अब दोस्तों राजस्थान के अंदर जमकर बारिश हो रही है। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, भारी बारिश के चलते बाहर ना निकले, नदी नालों से दूर रहें। आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है कॉमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें।